हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो कि ई बिलिंग हरियाणा की साइट पर हमें करनी है, और करना क्या है दोस्तों वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि इस तरह की नई नई अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारा ये सेशन था 18-19 का, ये पूरा होने वाला है। 31 मार्च 2019 को सेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों नया सेशन 19-20 चलेगा। तो उससे पहले दोस्तों, आप सभी को पता है सैलरी हम जनरेट नहीं कर सकते, मार्च मंथ की सैलरी 1 अप्रैल को जनरेट होगी। तो दोस्तों उससे पहले हमें कुछ डिडक्शंस रीसेट करने होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने जो फरवरी की जो सैलरी बनाई थी दोस्तों, उसमें हर एम्प्लॉय का अलग अलग डिडक्शन हुआ था टैक्स का। तो दोस्तों वो टैक्स डिडक्शन रीसेट करना है, और उसके बाद दोस्तों जीपीएफ डिडक्शन अगर कोई अपना घटाना या बढ़ाना चाहता है तो दोस्तों वो जीपीएफ डिडक्शन करना होगा। और उसके अलावा अगर कोई ईपीएस में बदलाव करना चाहता है तो वो भी हम करेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ से दोस्तों ऐड एडिट सैलरी डिटेल सेलेक्ट कर लिया है एम्प्लॉयज़ में जाकर, और मेकर की आईडी ओपन करनी है दोस्तों। मेकर की आईडी पर ही ये डिडक्शंस होंगी हमारी। तो दोस्तों ये इस तरह का परफॉर्म हमारे सामने होगा, और यहाँ से हम एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस एम्प्लॉय की हमें डिडक्शन करनी है। और दोस्तों ये तो सभी एम्प्लॉय को करना होगा, क्योंकि फरवरी की जो सैलरी बनी थी उसमें सभी एम्प्लॉयज़ के अलग अलग टैक्स कटे थे। अब हमें मंथली जो डिडक्शन होगा टैक्स का वो रीसेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम एडिट्स डिडक्शन डिटेल पर जाना होगा। तो यहाँ से हम एडिट डिडक्शन डिटेल पर गए, और वहाँ देख सकते हैं आप सबसे ऊपर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन, जो मंथली डिडक्शन जीपीएफ का हो रहा है वो यहाँ रीसेट करना है। अगर कोई घटाना चाहता है तो उसको घटा कर डालेंगे, जितना भी वो कराना चाहता है या फिर बढ़ाना चाहता है तो उसको करेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम टैक्स की डिडक्शन करेंगे, जो मंथली डिडक्शन टैक्स का होगा एम्प्लॉय का वो दोस्तों हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हमारा जो टैक्स होगा वो कम लगेगा, लिमिट बढ़ा दी गई है टैक्स की। तो इस वजह से दोस्तों टैक्स कम काटना होगा डिडक्शन। यहाँ हमने 1000 रुपये कर दिया है, उसके बाद दोस्तों जीपीएफ सब्सक्रिप्शन हमने बढ़ाकर 13000 रुपये कर दिया है। और नीचे आप देख सकते हैं अपडेट डिडक्शंस एक ऑप्शन है, आप नीचे दबा हुआ है अपडेट डिडक्शन, यहाँ करना है, और डिडक्शन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद साथियों, हम यहाँ से किसी और कर्मचारी के नाम से आपको दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार उस कर्मचारी का ईपीएस करना है, या फिर उसकी कोई दूसरी डिडक्शंस जो हम रीसेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो करना है दोस्तों। तो यहाँ से हमें वो करना होगा, और उसके बाद दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार करना है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं एडिट पेज डिटेल फॉर ईपीएस। दोस्तों यहाँ से एडिट डिडक्शन ईपीएस डिटेल पर जाकर दोस्तों हम यहाँ से सेलेक्ट पे नेम में जिस कर्मचारी का हमें एडिट करना है ईपीएस, ईपीएस के अंदर दोस्तों अकाउंट नंबर होता है। अगर कोई कर्मचारी अपना अकाउंट नंबर बदलना चाहता है सैलरी अकाउंट नंबर, तो दोस्तों यहां से अपना सैलरी अकाउंट नंबर बदल सकता है। और यहां से हमने कर्मचारी का नाम सेलेक्ट कर लिया है, और कर्मचारी का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ईपीएस का परफॉर्मा, जैसा कि आप यूनिक कोड बनाते हैं उस तरह का परफॉर्मा आ चुका है। और अब यहाँ पर हमारी सारी डिटेल फीड हो चुकी हैं, बस सिर्फ हमें यहाँ आईएफएससी कोड बदलना होगा, जिस बैंक का आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड बदलना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, जो आप नया अकाउंट नंबर अपनी सैलरी से जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों अपडेट ईपीएस डिटेल हमें यहाँ से क्लिक करना होगा, और अपडेट करने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये सारे जो अपडेट हमने किए थे ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं, और जितने भी अनसेंट बिल थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं इस कर्मचारी के। और दोस्तों जैसे कब हमें पता है हमारे लगभग सारे बिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई बिल हमारे पेंडिंग में नहीं है, तो हमारे पास इस टाइम मौका है, हम अपनी ईपीएस में बदलाव कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से चेकर की आईडी खोलेंगे। हमने दोस्तों मेकर से ये सारी डिडक्शन की थी, अब हमें चेकर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वेरीफाई पेज डिटेल फॉर ईपीएस। तो दोस्तों जो ईपीएस हमने चेंज किया था वो हमें वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि इस कर्मचारी का हम सबसे नीचे कर्मचारी दिखा रहा है, इसके सामने व्यू डिटेल है, व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी बदलाव किया है वो रेड कलर के अंदर हाईलाइट हो रहा है, ये हमने बदलाव किए थे दोस्तों। तो ये बदलाव करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से वेरीफाई करना होगा, और हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया है। तो दोस्तों वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आप आगे जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों एचआरएमएस से सैलरी जनरेट करने के बाद आप यहाँ ई सैलरी पर सैलरी जनरेट करोगे, और यहाँ से सैलरी जनरेट करने के बाद आप यहाँ से पे बिल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद मंथ मार्च, और सेलेक्ट ईयर हमारा 18-19 होगा, और 18-19 सेलेक्ट करने के बाद व्यू ऑल एम्प्लॉय। तो आप यहाँ देख सकते हैं पे बिल जनरेशन फॉर मार्च इज नॉट अलाउड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी अलाउड इन 1 अप्रैल। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल में जाकर आपकी सैलरी
जनरेट होगी। तो दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें। तो दोस्तों इस तरह की और नई जानकारी हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।